Hey guys, welcome back to my channel. I hope आप लोग अच्छे होंगे. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. So guys, आज है 17th of November. दिवाली वाले ब्लॉग्स को आपने बहुत प्यार दिया है. So thank you so much for that. और शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को फटाफट. So guys, आज अभी मैं शाम को ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. टाइम हो रहा है 7:10 अप्रॉक्स, मतलब 7:15 हो ही चुके हैं. So आज शाम को मैं ब्लॉग्स स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि गाइस हमारा अचानक से ना आज रात को 11 बजे हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार. सो एक्चुअली कार्तिक का महीना है ये. सो वन मंथ तक होता है ना, तो इसमें नहाना भी चाहिए हरिद्वार, मतलब ऐसे हरिद्वार जाके. तो इसलिए मम्मा पापा का प्लान बना कि चलते हैं. तो हम तीन तो जा रहे हैं, भाई का आपको पता ही है, उसका जब मन करता है वो तभी जाता है. तो फिर दो जनों की जगह खाली रही, तो फिर हमने हमारी एक आंटी जी है उनको, जो आपने देखा भी होगा उसको व्लॉग में, जो जिसको हम शेफ शेफ बोलते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती है वो, और उसकी मम्मा, वो दोनों भी हमारे साथ जा रहे हैं. मतलब हम 5 लोग होंगे. सो अच्छा है सबका, सब नहा लेंगे. अच्छा मंथ भी है ये, और नहाना भी चाहिए इसमें. सो बस इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट करती हूँ. सुबह तो प्लान ही नहीं था कोई, मतलब बोल रहे थे कि जाएंगे लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा था कब जाएंगे. तो अभी एक कल मतलब छठ पूजा चल रही है ना, तो थोड़ी छुट्टियाँ वगैरह भी हैं. पापा के ऑफिस भी मंडे से खुलेंगे, तो अभी ये बीच में फ्राइडे सैटरडे संडे आ गया, तो इसलिए हम लोग आज रात को निकलेंगे 11 बजे. और अभी फटाफट थोड़ी बहुत पैकिंग करते हैं और भाई के लिए खाना बना देंगे मम्मा. पैकिंग तो ज़्यादा क्या, लेकिन गाइज मैं हरिद्वार सोच रही हूँ ना, मुझे इतनी ठंड लग रही है, नाम सुन के इतनी ठंड लग रही है कि पूछो मत कि पानी कितना ठंडा होगा. तो बस अब फटाफट थोड़ा सा 2 सूट पैक करते हैं और जैकेट. अब तो ये सर्दियाँ आ गई तो इसमें सामान और ज़्यादा हो जाता है, जैकेट शूज ये वो. तो बस हम लोग यहाँ से निकलेंगे, उनको आगे पिक कर लेंगे, वो लोग भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा दूर रहते हैं. इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना जरूरी है. बस यही हमारा है आज न्यू ट्रिप. सो फटाफट रेडी शेडी होते हैं. और हाँ, तो अभी तो वो 7:15 ही हो रहे हैं, तो फटाफट अपना हेड वॉश वगैरह करते हैं. और पापा भी पहुंचने वाले हैं ऑफिस से, मैं भी आज ऑफिस थी तो इसलिए सुबह स्टार्ट नहीं कर पाई. और सुबह आइडिया भी नहीं था मेरे को अभी पता चला कि कन्फर्म हम लोग जा रहे हैं. सो बस अब भाई चला गया जिम, वो आएगा रात को, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे. और जब अब दिखाती हूँ मैं आगे क्या क्या होएगा. सो पूरे व्लॉग में बने रहे और कमेंट करते करो फटाफट, ठीक है, एंड लाइक करते करो जरूर और शेयर भी. चलो शुरुआत करते हैं हमारे इस न्यू व्लॉग की. सो गाइस हम लोग ले आए हैं ये दिए 3 दर्जन, और हमने ये घी की डिब्बी में साइज होते हुए डाल ली. तो पूरे 1 मंथ मतलब 31 दिए हम लोग जलाएंगे वहाँ पे, क्योंकि हमें कार्तिक के महीने में हर एक दिन दीपक दान करना चाहिए. दान मतलब कि किसी को देना नहीं चाहिए, मतलब जलाना चाहिए कृष्ण जी के सामने, जो कृष्ण जी का छोटा स्वरूप है. तो हमने वो चीज नहीं करी थी, इसलिए इतना अच्छा हमें वो बना है, हमारा स्वप बना है. तो हम सारे गंगा किनारे 31 दिए वहां पे जला देंगे. फटाफट इनको पैक कर लेते हैं. मैंने अपने उनको भी बोल दिया जो हमारे साथ जा रहे हैं. सो गाइस टाइम हो गया रात के 10, हमने डिनर वगैरह कर लिया है. अब फिर से हम लगे फ्रेश होने और फटाफट सामान पैक कर लेते हैं सबसे पहले. तो उसके बाद फिर हम फिर से नहाएंगे धोएंगे फिर निकलेंगे. सो गाइस ये कपड़े बाहर निकाल दिए, एक एक जोड़े से ज्यादा कुछ नहीं है. बस अब इस बैग में फटाफट पैक करते हैं और मैं मिलती हूँ आपको फ्रेश होने के बाद, ठीक है, बाय बाय. सो गाइस फाइनली नहा धो के हम लोग रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए, और टाइम क्या हो गया पूरे 11 बज चुके हैं. भाई भी जस्ट अभी आ ही गया है. गाइस ये मत बोलना कि तुम रेडी होते रहते हो. हाँ ये तो मत बोलना तुम. सही में बस अब फटाफट निकलते हैं हम लोग भी और उन लोगों को भी पिकअप करना आगे से. सो लेट्स गो. फिलहाल ये है मेरा लुक, लेकिन ठंड हो सकती है तो मैंने शॉल रख लिया और स्वेटर भी रख लिया ब्लैक. सो फटाफट निकलते हैं, लेट्स गो. चलो जी जय हो मेरे चंद्र मंद्रु, अच्छे से बाय. यहाँ तो देख ले कैमरे में, बाय. गाइस बैठने दो मुझे. चलो जी लेट्स गो. सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं स्टॉप में, जहाँ पे आंटी जी को और उसको तन्नू को पिक करना है. अभी वो लोग आए नहीं है, आने वाले होंगे, 5-6 मिनट ही है, 5 मिनट है. आ गए गाइस फाइनली, 5 मिनट भी नहीं हुए, जल्दी जल्दी अब बैठते फिर आप लोगों से मिलते हैं.
हाँ ये तो सो ही गए थे। फाइनली दोनों आ चुके चलो छोटा सा चाय ब्रेक या फिर देखते हैं कुछ खाना पीना है तो खा लेते हैं। यहाँ से थोड़ा ही दूर रह गया, 3:30 तक पहुँच जाएंगे हम लोग ऑलमोस्ट। और ठंड हो गई है, शॉल निकाल चुके हम लोग, वहाँ जाके पता चलेगा क्या हाल है। खाओ फटाफट, ठंड लग रही है सबको। सो गाइस फाइनली सबने खा पी लिया है और टाइम हो रहा है 2:15। आ जाओ आप भी आ जाओ पीछे। सो अब हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं आगे की ओर, लेट्स गो। सो देखते कब तक पहुंचते हैं, यहाँ से 1.5 घंटा ही है बस, 78 किलोमीटर और रहेगा हरिद्वार। अब तो बताई दे, अब तो पता चल गया, स्टार्टिंग में बताई तो दिया था मैंने शायद, हाँ बता दिया। लेट्स गो। सो गाइस टाइम हो गया सुबह के 4 और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार। और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई, हम लोगों ने स्वेटर वगैरह पहन लिया। अब ये सुन के हमें जुकाम हो गया कि नहाना कैसे है वहाँ पर, इतना ठंडा पानी होने वाला ना गाइज। अब पहुँचते हैं, अगर भीड़ कम होगी तो फटाफट जल्दी से नहा धो के अपना आरती का वेट करेंगे, 6 बजे आरती स्टार्ट हो जाएगी। सो देखते कैसा होता है। सो गाइज फाइनली आ चुके हैं हम लोग हरिद्वार और एकदम ब्यूटीफुल पानी, लेकिन बहुत ही चिल्ड, शीतलहरें चल रही है और बिल्कुल खाली, कोई भीड़ नहीं है गाइज। फर्स्ट टाइम, अभी आप लोगों ने देखा होगा मेरा ब्लॉग जब सावन में आए थे हम लोग, बहुत क्राउड था, बहुत ज़्यादा। अरे वो रहा ना, वो जो घड़ी बनी है उसके पास जाना है हमें। चलो आ जाओ फटाफट, सबने शॉल वॉल ले लिया। और ठंड गाइस बहुत ज्यादा हो रही है, डर लग रहा है, पता नहीं फटाफट कैसे, बस ये और एक जल्दी से डुबकी मारे फटाफट बाहर आ जाए। और भीड़ भी नहीं है तो सबसे अच्छा ही है। और आरती एकदम प्यार से देखेंगे हम इस बार, पिछले बार भी देखी थी हमने, एकदम टाइम पे पहुंच गए थे हम लोग। सो लेट्स गो, बहुत ही खूबसूरत। गाइस कितनी खतरनाक हवा चल रही है। सो गाइस ये फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, सो आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा? अरे बहुत सुंदर, बहुत तब से मैं डर रही थी। हम लोग पता पूरे रास्ते में भूतों की बातें करते हुए वो एक्सपीरियंस भी मस्त था हमारा। गाइस बहुत ठंडी हवा चल रही है तो तेरे को अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम तो होता है कि कैसे जगह होगी, क्या होगा क्या नहीं। और बहुत तेज पानी है, बहुत तेज पानी, डूब मत जाना, बह मत जाना। चलो गाइस चलते हैं हम लोग आगे हर की पौड़ी और फटाफट वहाँ पे अपना स्नान वगैरह करते हैं। क्या बोल रही है गाइस, सुन लो क्या बोल रही है, थोड़ी देर बाद देखना फिर से। 5 रुपया लगा, 5-7 जितने भी लगा। चलो गाइस चलते हैं वहाँ पे। गाइस पहुँच गए हम लोग मेन जहाँ पे आरती होती है, लेकिन पानी बिल्कुल कम हो चुका है, बिल्कुल कम, लेकिन एकदम साफ सुथरा। चलते हैं अब थोड़ा सा और आगे और फिर वहाँ पे करते हैं हम स्नान। और ठंड बहुत हो रही है, ये देखो बिल्कुल कम, ये वरना ये 3 सीढ़ी ढकी रहती है पूरी। सो गाइस पहले मम्मा और आंटी जा रहे, फटाफट जल्दी जाओ। गाइस हमें तो देख के ठंड लग रही है, लेकिन पानी कम है, ये अच्छा, जल्दी पकड़ो इसको और फटाफट जाओ। आरती हो जाएगी स्टार्ट 5 बजे। बहुत बढ़िया, हर 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 महादेव। तनु तू भी चली, जल्दी जा, नहीं मैं आपके साथ जाऊंगी। ये वीडियो कौन बनाएगा फिर? वीडियो कौन बनाएगा? चप्पल उतार के आ रहा है, जा तनु, देखो 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 तनु, जा पंचर की मम्मी के पास। ये दीदी पानी से मोटर लगता है, पीछे आ जा, पीछे पंचर नहीं लगता भाई, ओनर दी बारो। So guys, हम लोगों ने तो स्नान कर लिया, डुबकी मार लिया, पापा और मम्मा फिर से। तनु कैसा रहा? चलो चलो गाइस, नहीं है ठंडा यार, धुआं निकल रहा लेकिन मुंह से मैं इनको। चलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
दोनों तो हाथ खड़े कर लो साथ में। सो गाइस फाइनली हम नहा धो के एकदम रेडी हो चुके हैं। अब हमें दिए जलाने हैं 31 पूरे मंथ के, कार्तिक मंथ के, और आरती भी स्टार्ट होने वाली है। सो पहले शायद आरती करेंगे, उसके बाद जो है क्योंकि आरती स्टार्ट होने वाली है। अब नहीं लग रही ठंडक, नॉर्मल लग रहा है। बहुत अच्छे से मतलब स्नान हो गया हमारा, एकदम तृप्त हो गए। सो गाइस यहां पे हम लोग जगा रहे हैं दीप, दीपदान कर रहे हैं। फटाफट जला रहे हम लोग, सामान बहुत है हाथ में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा व्यू है। पितरों के लिए, हाँ जी, ये पितरों के लिए परवाह करते हैं। पितर बोलते हैं, हाँ जी, पितरों के लिए। सो गाइस बैठ गए हम सब लोग आरती के लिए। आंटी, तन्नू, पापा, मम्मा और सामने आरती हुई है। इस साइड फेस होता है लेकिन वैसे तो सब हमें जगह मिली, हम बैठ गए। गाइस देखो सामने सनराइज हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, लाइट लाइट ऑरेंज कलर। अभी आरती स्टार्ट होने वाली है, सब लोग बैठ चुके हैं, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है। आरती स्टार्ट हो गई थी, आरती नीचे होती है तो हम लोग पीछे बैठे हुए गाइस। फाइनली अच्छे से मॉर्निंग हो चुकी है, क्राउड कुछ इतना है। आरती थोड़ी लेट हो गई इस बार, पर बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो गाइस हम लोग पार्किंग में आए थे, बैग वैग रखने अपना। अब हम लोग जा रहे हैं मनसा देवी, अभी जा रहे हैं, देखते हैं कि कंफर्म है या नहीं, क्योंकि ऐसे हम बोलते हैं लेकिन पहुँच नहीं पाते। सो लेट्स सी, जाता हूँ एरिया। अब ठंड कम हो गई है और 7:30 हो रहे हैं टाइम सुबह के, और धूप निकलना शुरू हो गई, अब नहीं लग रही ठंड ज़्यादा, है ना? है ना तन्नू? नहीं, अब बिल्कुल नहीं, पहले जम गई थी। चलो ठीक है, कल यहाँ हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट, छोले भटूरे आ गया सबको, मेरा आना रह गया, इसका भी आ गया महारानी का। खा भाई, भूख लग रही, चक्कर आया था इसको अभी। तो बस हम लोगों ने उड़न खटोला टिकट ले लिया मनसा देवी के लिए, एक बंदे की 129 रुपये, और बहुत मारा मारी भीड़ हो रही है हमें, लेकिन बहुत मजा आएंगे। फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं, गाइस जो देखो ऐसे आ रहे हैं ऐसे जा रहे हैं, मजा आएगी, बहुत एक्साइटेड। फर्स्ट टाइम बैठेंगे लेकिन मजा आ जाएगा, मजा। वैष्णो देवी वाले में मौका नहीं मिला, वो तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत छोटा है। दिखानी वापस आते हैं, कैसे बैठाएंगे वो आई हैव नो आइडिया, बट मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। गाइस दर्द के मारे मेरा मुंह लाल हो गया। ओह माय
लाइन लगी हुई है गाइस अंदर आने के बाद, लेकिन फटाफट जा रहे हैं। इसका भी होना चाहिए, ये भी मजा होना चाहिए। ना वो करे थी राफ्टिंग के, बोलते ऊपर लंबी पाए पाए डर रही है। क्या पूछो? बाय गाइस, बाय। जय माता दी, माता। सो गाइस फाइनली हम बैठ चुके, पता भी नहीं चल रहा है क्या बात कर रहे हो। सामने बैठे ना, मैं बताऊंगी पता क्या होता है। पहुंचने ही वाले हम। अरे हार्ट अटैक ऐसे ही होता है। अरे ये तो है, हम चल ही रहे हैं बस। गाइस व्यू देखो कितना प्यारा। अरे व्यू ये वाला व्यू मत देखो, पीछे देखो। इसका तो तोड़ गया। नीचे गंगा मैया दिख रही, कितनी प्यारी। देखो गाइस बहुत ही सुंदर। वाओ, बाप रे, मेरी आंखें बंद कर भगवान। अबे क्या डर है भाई, देखो वो रहा ओम, कितना प्यारा लग रहा है। बहुत अच्छा किया मुझे यहाँ बैठा दिया, मैं वीडियो में सब कुछ देखूंगी अच्छे से। मैं पीछे नहीं मुड़ सकती, मैं पीछे नहीं मुड़। गाइस मुझे तो मतलब पता भी नहीं चल रहा। अंटी आपको हमड़े पर नहीं डर, नहीं अंट में ही तो रहा है। वो तीनों डर रहे हैं पापा को छोड़ के, ये दोनों डर रहे हैं। इनके मुंह लाल हो गए थे नीचे खड़े खड़े। बस गाइस हम पहुंचने वाले हैं, बहुत देर से पहुंची। सो पहुंच भी गए हम, जय माता दी बोला हमने, तब तक हम ऊपर भी पहुंच गए। और इसकी तो कसम से बिल्कुल ही सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। अब वापस भी जाना है हमें यहीं से। सो लेट्स गो, अब दर्शन करके आपसे मिलते हैं, ठीक है गाइस। अब हम लोग आ गए हैं वापस, और इसी से वापस जाना है। हमने फोटो भी खिंचाई है, वो दिखाऊंगी आपको बाद। और हमें यहीं से इसी वाले से होटल फटोला से वापस जाना है। इस बार बैठूंगी मम्मा और पापा के साथ, उनकी वीडियो नहीं बनाई मैं। देखो फटाफट आए, फटाफट मतलब ज्यादा वेटिंग नहीं होती। हाँ तन्नू, तन्नू तो सारी आप ना वेटिंग मम्मा और पापा के साथ। हाँ तंदर कर ले, हमको बना था वीडियो, हम देख रहा स्टार्ट हो रहा है। अब पता लगा था अम्मा का जात हो वो आप बड़ी स्पीड हो गई जा चढ़ के ऊपर ही वो लगाटा था देने के लिए ना मैंने अम्मा पी। ये गाइस अब मैं इस साइड होके बैठी हूं, और देखो बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा, डर तो नहीं लगा आपको? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। चांद में जा रहा है, पहुंच गए गाइस हम लोग। अच्छा गाइस आंटी और तन्नू भी आ गए, हमारे जस्ट पीछे वाले में ही थे। गज देखो कैसे कैसे गलियों से निकल रहे पापा, एकदम शॉर्टकट शॉर्टकट था ये। जम्मू कश्मीर के। सो गाइस अब टाइम हो गया है 11:30 सुबह के, और अब हम लोग जा रहे हैं नीलकंठ महादेव। क्या बता रहा हूं मैं, टी शर्ट चेंज कर लिया। देख रहे अंकल अभी नेट ने, नेट पकड़ रहे हैं। मैप लगाओ गूगल मैप। गाइस देखो ये पूरी बाइकर्स की टीम जा रही है वहां व्लॉग कर रहे हैं ये लोग। व्लॉगर्स बहुत सुंदर लग रहे हैं, और कितना सुंदर आ रहे हैं शूट करते हुए। हाँ गोप्रो लगा रखा है सबने, आगे पूरी टोली रुक गई बाइकर्स की। कितना सुंदर लग रहा है। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग नीलकंठ आफ्टर 2.5 आवर्स के बाद, और बहुत ही खतरनाक रास्ता, मैं तो सो गई थी क्योंकि हम लोग
नींद ही पूरी नहीं हो रखी थी। बस अब दर्शन करने चलते हैं, यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दिया एंड लेट्स गो। फिर मैं दिखाऊंगी आपको बहुत सुंदर आसपास का व्यू, दिखाते हो अभी। ये देखो बस पहाड़, ऐसे 1.5 किलोमीटर है, थोड़ा सा ट्रैवल करना है, ऐसा लग रहा है हेलीपैड है ये। चलो जी, बहुत सुंदर। अब यहाँ पे पार्किंग्स बन गई है, ऊपर पार्किंग लगाई है हम लोगों ने, और ये पूरा वॉकिंग का डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर है नीचे। फोन में बैटरी रह गई 35% ओनली, चल जाए बस, ना मैं कुछ चार्जर लाई हूँ ना मैं वो, क्योंकि हमारा प्लान नीलकंठ का नहीं था, हमारा सिर्फ था कि हरिद्वार। हम लोग वॉकिंग करते हुए, मम्मा आ रही पीछे और आंटी और तन्नू, पापा आगे। ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है फिर से वापस से, मैंने चेंज कर लिया था। अब चलते हैं हम लोग नीलकंठ, हमारा नीलकंठ का प्लान नहीं था, हमारा सिर्फ हरिद्वार का था, तो अचानक से बन गया। गाइस बहुत ही खतरनाक, बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत पैर में दर्द हो रही है, गिर जाने का। इसी की हो रही है, मेरे नहीं हो रही, ये अपनी बता रही है। और गाइस बहुत लंबी लाइन है, ये बहुत ही ज़्यादा लंबी, अब देखो कब तक दर्शन आएंगे, नो आइडिया। सो गाइस फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं, टाइम हो गया दोपहर के 3, और अब हम यहाँ पे खाएंगे फेमस चने जो मिलते हैं। पिछली बार भी आपने देखा होगा, हमने खाए थे यहाँ पे, बहुत टेस्ट है। जगह का नाम है यमेश, जगह का नाम है यमकेश्वर, यमकेश्वर। हाय गाइस, गाइस ये रहे चने, मिक्स थे, बहुत टेस्ट है। और गैस अगर आप हरिद्वार आए, ऋषिकेश आए, तो नीलकंठ तो जरूर आइए, जरूर आइए, बहुत सुंदर है, मतलब बहुत प्यारा। हम थर्ड टाइम आए, बस अब खाते हैं और चलते हैं वापस दिल्ली की ओर। टेस्ट क्या, बहुत हरी मिर्च है, बड़ी बड़ी। सो गाइस हम लोग लेने आए हैं, हमने क्या बोलते हैं, दर्शन वगैरह कर लिए, हम लोग लेने आए हैं एक जैकेट, पता नहीं कैसे लगती है लेकिन साइज बड़ा है, रेड में नहीं होगा। सो ये शॉप, आंटी, ये मम्मा, उसे छोड़ा जो आपने। गाइस फाइनली पहुंच गए हम पार्किंग में, अब फटाफट निकलते हैं हम लोग दिल्ली की ओर, टाइम हो गया। गाइस जब आए थे तब के झोपड़े देखना रात में देखना, टाइम हो गया 4 बज गए ना, 4 बज गए, हां 4 बज गए, तो यहां से अप्रोक्सीमेट 6 घंटे लगी जाएंगे, 6-7 घंटे, 3.5 तो यहां से हरिद्वार में लगेंगे। चलते हैं आप गाइस। सनसेट होता हुआ गाइस, टाइम हो गया शाम के 5:30 और ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका है, और थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम भी हो गया, मैं भी सो के उठ रही हूँ। गाड़ी थोड़ी देर पार्क करी है यहाँ पे, और थोड़े से टांगे वांगे सीधी कर रहे हैं, और सामने बहुत ही प्यारी डैम, चीला डैम नाम है इसका, चीला डैम, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लग रही है। देखो गाइस ये डैम देख के ना हिमाचल की वाइब आ गई, चीला डैम। चलो अब सीधा दिल्ली की ओर प्रस्थान कर ही रहे हैं, ऑलमोस्ट हम बस हरिद्वार पहुंचने वाले हैं, फिर वहां से 4 घंटे और। अब जाके हम लोग रुके हैं जैन मसाला शिप के, अब यहाँ से 70 किलोमीटर रह गया बस, और टाइम हो गया 8 पूरे। थोड़े स्नैक्स वगैरह खाते हैं, डिनर का टाइम तो नहीं हुआ है, फिर बस सीधा दिल्ली पहुँचेंगे। थकावट हो गई बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम लेवल की थकावट, मुंह में दिख रही होगी कैसे मुंह उतरे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्नैक्स वगैरह खा रहे हैं, जैन चिकन जी, अच्छा। बाय गाइस, हमने आंटी और तन्नू को उतार दिया है, टाइम बज गया 11, अब हम लोग भी पहुंचने वाले हैं। सो गाइस आज है नेक्स्ट डे, रात को व्लॉग ही एंड नहीं कर पाई मैं, आए मैंने थोड़ा रेस्ट कर ली थी, 11:30 बजे तो हम पहुंचे, मैंने कहा अभी करती हूँ 2 मिनट में एंड, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, आँख सुबह खुल रही 10 बजे। भाई कसम से थक गए थे, क्योंकि एक ही दिन में फिर हम
मनसा देवी भी, मनसा देवी तो हम उससे गए हैं, उड़न खटोला जिसे कहते हैं, ट्रॉली जो होती है उसका नाम, आपने देखा भी होगा व्लॉग में पीछे, बड़ा मजा आया फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छा लगा, मतलब हर जगह दर्शन अच्छे से हो गए। नीलकंठ में भीड़ थी लेकिन मूविंग भीड़ थी, मतलब ऐसे नहीं कि रुक रुक के, सब अच्छे से दर्शन करके अपना आ रहे थे, बट जो भी था मस्त एकदम मंत्रमुग्ध हो गया। गंगा जी में स्नान करके भी, क्योंकि भीड़ नहीं थी सुबह बिल्कुल भी, आरती के टाइम नहीं भीड़ तो, और बहुत अच्छा रहा हमारा ये क्यूट सा रिलीजियस ट्रिप। सो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और करना चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं तब तक हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और आज नेक्स्ट डे, और आज इंडिया का मैच भी है, देखते कौन जीतता है। वैसे तो मुझे पूरा लग रहा है कि इंडिया का जीतेगा, बट आई हैव नो आइडिया, कुछ भी हो सकता है, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। बाय बाय, हरे कृष्णा।